दिल्ली हाई कोर्ट ने आप नेता सौरभ भारद्वाज को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने पर न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य सचिव एसबी दीपक कुमार को चेतावनी दी है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को ये भी चेतावनी दी है कि इसके लिए उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। अदालत ने कार्रवाई के दौरान दोनों से कहा कि वो सरकार के सेवक हैं और अहंकार नहीं रख सकते हैं। दरअसल फरवरी 2024 में कोर्ट ने एक ईमेल देखने के बाद भारद्वाज और कुमार को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा था। उस मेल में कहा गया था कि दिल्ली स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियमन विधेयक पर चर्चा के दौरान मंत्री को लूप में नहीं रखा गया। सुनवाई के दौरान कहा गया कि परेशान करने वाली बात यह है कि याचिकाकर्ता एक आम आदमी की दुर्दशा को उजागर कर रहा है। वह हमें बता रहा है कि सभी प्रकार की लैब रिपोर्ट तैयार की जा रही है जो सच नहीं है और आम आदमी पीड़ित है। ये आपका खेल है, आप दोनों के बीच और विभिन्न गुटों के बीच जो चल रहा है वह अदालत के लिए अस्वीकार्य है। कोर्ट ने कहा आपको व्यवहारिक होना होगा और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इन दो लोगों के बीच की लड़ाई से दलालों को फायदा ना हो। पीठ ने कहा कि अगर मंत्री और सचिव मुद्दों को संभालने में असमर्थ हैं और झगड़ते रहते हैं तो कोर्ट किसी तीसरे पक्ष को चीजों को संभालने के लिए कहेगी या क्या करना है इसके बारे में आदेश पारित करेगी। पीठ ने आगे कहा हमारे साथ ऐसा मत करो नहीं तो तुम दोनों जेल जाओगे। अगर इससे आम आदमी को फायदा होगा तो हमें आप दोनों को जेल भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आप दोनों अहंकार नहीं कर सकते, आप दोनों सरकारी सेवक हो, सरकार और आप दोनों को ये सुनिश्चित करना होगा कि आम आदमी को फायदा हो। आप क्या कर रहे हैं, लोगों को उनके ब्लड सैंपल की गलत रिपोर्ट मिल रही है। भारद्वाज की ये दलील की कोर्ट की कृपा से सरकार को विधेयक को अधिनियमित करने में मदद मिलेगी। कोर्ट नाराज हो गया और कहा आपको लगता है कि हम इस खेल में एक मोहरा है और आप इसे रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, हम किसी के प्यादे नहीं हैं। इस गलत फहमी को दूर करो कि तुम अदालत की प्रक्रिया का उपयोग करोगे। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि शहर में पैथोलॉजिकल लैब अनियमित हैं और नागरिकों के जीवन के लिए खतरा है। इस याचिका में कहा गया है इस तरह की अवैध लैब दिल्ली NCR और उसके आसपास लगातार बढ़ती जा रही है और ये आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसी अवैध पैथोलॉजिकल और डायग्नोस्टिक लैब की कुल संख्या 20,000 से 25,000 के बीच हो सकती है और राजधानी की हर रोड पर ऐसी अवैध पैथोलॉजिकल लैब हैं।